रहीम। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं सब? उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। अल्लाह आप सबको अपने हिफ्ज़ अमान में रखे, आपके रिस्क खानों में बरकत डाले, आपको किसी का मोहताज ना करे। बहुत सारी दुआएं आपके लिए और आप मेरे लिए क्या करें। चलें जी, आज की रेसिपी है बहुत ही मज़े की, आप इसको चाय के साथ भी शाम को खा सकते हैं। बच्चों की तो फेवरेट है KFC चिकन विद चिकन पॉपकॉर्न। ये मेरे अंकल हैं, उनकी रेसिपी है, उनका KFC है, उसकी ये रेसिपी है, बहुत ही मज़े की है। चलें जी, आए सबसे पहले हम देखते हैं इंग्रेडिएंट्स। नमक, लाल मिर्च, चिली सॉस, सोया सॉस और सिरका। सबसे पहले हम चिकन मैरिनेट कर लेंगे 2 से 3 घंटों के लिए। एक ही बाउल में हम सारा कर लेंगे मैरिनेट। एक मुर्गी मैंने ली थी, उसका बोनलेस से था, वो अलग कर लिया था और बाकी अलग कर लिया था। 1/2 टीस्पून में डालूंगी इसमें नमक। वैसे आप अपने टेस्ट के हिसाब से कम ज़्यादा कर लीजिएगा, क्योंकि सॉसेज होती हैं उनमें भी नमक होता है, और दूसरी वजह मैं बाद में बताऊँगी। 1 टेबल स्पून लाल मिर्च पाउडर, 1 टेबल स्पून सिरका, 2 टेबल स्पून कर लें सिरका, 2 टेबल स्पून सोया सॉस और 2 ही टेबल स्पून चिली सॉस। इन सबको अच्छे से मिक्स करके हम इसको मैरिनेट करके रख देंगे फ्रिज में। चिकन मैरिनेट किए हुए, हमने चिकन पॉपकॉर्न और दूसरा चिकन जो था वो मिक्स कर दिया था, अब इनको अलग अलग कर लेंगे। 1/2 kg हमने लिया मैदा, 1 टेबल स्पून काली मिर्च और 1/2 टेबल स्पून मीठा सोडा। इनको हम मिक्स कर लेंगे इसके अंदर, मैदे के अंदर ही, और हम इसके अंदर डालेंगे नमक 1 टेबल स्पून। अब इन सब चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। तकरीबन 4 से 5 कप है ऑयल, ऑयल मैंने गर्म होने के लिए रख दिया। अब सबसे मेन पॉइंट है, अगर आपको KFC चिकन बनाना है उसके लिए हमें एक बाउल में चाहिए पानी और 2 हमें चाहिए टोकरियाँ। पहले पॉपकॉर्न वाला जो चिकन है उसको हम डालेंगे टोकरी में। हमने इसको डाल लिया टोकरी में, अब हम इसको डिप करेंगे पानी में। अब हम इसको डालेंगे मैदे में, अच्छे से इसके ऊपर कोटिंग करेंगे। और ये है खुश्क टोकरी, अब जो हमने कोटिंग किया है वो हम डालेंगे इसके अंदर। डाल लिया हमने, अच्छे से जो एक्स्ट्रा होगा वो हम निकाल लेंगे। अब अगेन वही वाला स्टेप करेंगे, इसको डालेंगे गीली वाली टोकरी में और फिर इसको हम करेंगे पानी में डिप। पानी में डिप हो गया और फिर हम इसको डालेंगे मैदे में और फिर इसके ऊपर अच्छे से करेंगे कोटिंग। 2 दफ़ा हमने स्टेप रिपीट किए हैं। वैसे इसे किचन थोड़ा सा गंदा हो जाता है, चलो कोई नहीं, बाद में साफ कर लीजिएगा। देखिए, अब हमने इसको डाला खुश्क वाली टोकरी में, चेक करते हैं कि ऑयल गर्म हो गया। ये देखिए ऑयल जो है वो गर्म हो गया। अब हम इसके अंदर डाल देंगे मीडियम आंच पे, हम इसे करेंगे गोल्डन ब्राउन।
थी वो मैंने थोड़ी सी टेस्ट कर ली थी। तो देखें कितने मज़े का, ये देखें इसको कलर आना शुरू हो गया। अब हम नेक्स्ट वाले जो पूरे वो तैयार कर लेते हैं। पहला वाला जो था वो पॉपकॉर्न वाला था और ये है चिकन वाला। पहला वाला जो था वो था पॉपकॉर्न वाला और ये है हड्डी वाला। इसमें भी हम वही वाले स्टेप्स करेंगे, पहले डिप करेंगे पानी में, फिर हम इसको डिप करेंगे मैदे में। अच्छी तरह इसके ऊपर लगा लेंगे मैदा। अब हमने इसको डाल लिया खुश्क टोकरी में और फिर इसको डालेंगे गीली वाली में। और अब हम इसको डालेंगे पानी में और फिर हम इसको डालेंगे मैदे में। घर में KFC चाहिए तो फिर ये काम तो करने पड़ेंगे। थोड़ी सी बस मेहनत कर लें और KFC घर खाएं। अब फिर हम इसको डालेंगे खुश्क टोकरी में और अब हम इसको डालेंगे ऑयल में। पहले देखिए ये वाला जो है इसको अच्छा सा कलर आ गया, इसको हम निकाल लेते हैं। एक प्लेटर में हमने लगाए हैं टिश्यू, इसको हम निकाल लेते हैं। अब हम इसके अंदर डाल देंगे ये सेकंड वाला। इसको भी हम गोल्डन ब्राउन कलर आने तक करेंगे फ्राई। हम इसके साइड कर लेते हैं चेंज। इसको बार बार आपको हिलाना नहीं है, बस एक ही दफ़ा इसके साइड चेंज कर लेंगे। ठीक है, हम निकाल देते हैं इसका क्योंकि ऑयल जो था वो एक्स्ट्रा जो था वो निकल गया। पहले आंच जो है वो आप लोग तेज रखें, जब साइड जो है इसकी चेंज करें तब आंच जो है वो कम कर दें। बहुत ही प्यारा सा कलर इसको आ गया। अब हम इसको कर लेते हैं डिश आउट। जी बहुत ही मज़े का KFC स्टाइल चिकन हो गया रेडी। बहुत ही मज़े की खुशबू आ रही है। आप इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो लाइक और शेयर करें, और अगर आप चाहते हैं कि आपको मेरी वीडियो सबसे पहले देखने को मिले तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।